स्वागत है आपका मेरा चैनल बुक विद प्रदीप में। हमें आशा है कि आप और आपका परिवार स्वस्थ है और अच्छे हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। इस चैनल में हम आपके लिए लाएंगे घर में बना रेस्टोरेंट जैसा खाना, जैसी सिंपल और इजी रेसिपी। हमें आपके प्यार और आपके साथ की ज़रूरत है। देखते रहें हमारी वीडियो को ताकि हम आपके लिए नई नई रेसिपियाँ ला सकें। आज हम बनाएंगे बैंगन के पकौड़े। सर्दियों का समय हो और बैंगन के पकौड़े हो और उसके साथ में चाय हो, उसका मज़ा ही कुछ और है। आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। इसके लिए हमने बैंगन को बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। आप कोई भी सी कटिंग कर सकते हो। और इसके लिए हमने हरा धनिया ले लिया है। अब हम एक बाउल ले लेंगे और उसमें बेसन डालेंगे। एक चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और नमक हम इसमें स्वाद अनुसार डालेंगे और एक चम्मच हम इसमें जीरा डाल देंगे। आधा चम्मच हम इसमें मेथी दाना पाउडर डालेंगे। एक चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और एक चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। दो चम्मच हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और कुछ हम इसमें हरा कटा हुआ धनिया डाल देंगे। और अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये जो हमने पकौड़ों के लिए बेसन बनाया है, इसको हम ना ज़्यादा पतला करेंगे और ना ज़्यादा इसको घना करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि इसकी थिकनेस हम ऐसे ही रखेंगे, ना ज़्यादा पतला करेंगे ना ज़्यादा घना करेंगे। लास्ट में अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर से हमारे जो पकौड़े हैं वो अच्छे क्रिस्प हो जाते हैं, इसलिए हम इसमें थोड़ा कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अब हम एक कढ़ाई में तेल डाल लेंगे और जो पकौड़े हैं वो हम एक एक करके इसमें डालेंगे और फ्राई करेंगे। अब हम पकौड़े को इसमें अच्छे से फ्राई करेंगे। जब तक ये पक ना जाए, क्रिस्प ना हो जाए, तब तक हम इसको अच्छे से दोनों साइड से पकाएंगे। आप देख पा रहे होंगे कि जो पकौड़े की बाहर से कोटिंग है वो अच्छे से पूरे बैंगन में लगी हुई है, तो पकौड़ा भी अच्छे से फूल रहा है। पकौड़े को अब हम तेल से निकाल लेंगे क्योंकि ये अच्छे से क्रिस्प और पक चुके हैं। बैंगन के पकौड़े अभी तैयार हैं। हम आपका दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप अपना कीमती समय हमारी वीडियोस के लिए निकालते हैं। आप ऐसे हमें सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए। हम आपके लिए नई नई वीडियोस, नई नई रेसिपी आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।